एवरीवन, माय नेम इज आंशुल भाटिया एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर एकेडमिक लिटरेचर दिस इज द राइट प्लेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सोनेट 60 बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट 60 को लाइक एज अ वेव्स मेक टुवर्ड द पेबल्ड शोर भी कहा जाता है। सोनेट 60 जो है ये 154 सोनेट्स में से एक सोनेट है और सोनेटर यूथ के बारे में है जिसके बारे में हमने स्टोरी ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स में पढ़ा था। अगर आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप ये सोनेट 60 समझेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो सोनेट है ये उस यंग ब्यूटीफुल मैन को डेडिकेटेड है जिसकी आइडेंटिटी अभी तक मिस्ट्री है। ये सोनेट एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ टाइम, यूथ, एज एंड राइटिंग। स्पीकर ने या पोएट ने ज़्यादातर पोयम में पर्सोनिफिकेशन यूज करी है डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे टाइम जो चीज़ें देता है वो वापस छीन भी लेता है, वो कैसे वो जो चीज़ें देता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। सोनेट 60 जो है ये विलियम शेक्सपियर की पोयम है जो कि 14 लाइन पोयम है और ये एक ही स्टैंजा में इंक्लूडेड है। ये 14 लाइन शेक्सपियर का ये सोनेट 3 क्वाट्रेन से बना हुआ है जिसमें हर क्वाट्रेन में 4 लाइन्स हैं और एंड में एक कपलेट है। कपलेट एक कपलेट यानी सेट ऑफ टू राइमिंग लाइन्स। पोयम में एक कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम है जो है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी 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 जी, जो है ये लास्ट के कपलेट्स हैं और ये पोयम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। तो अब हम एक एक क्वाट्रेन पढ़ेंगे और उनका मतलब समझेंगे। ये वाली जो साइड है ये साइड है ओरिजिनल टेक्स्ट और ये वाली साइड मॉडर्न टेक्स्ट है। तो एक एक क्वाट्रेन पढ़ के हम उसका मॉडर्न टेक्स्ट भी पढ़ते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट तो था कि लाइक एज अ वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल शोर सो डू आर मिनट्स हैसन टू देयर एंड ईच चेंजिंग प्लेस विद दैट विच गोज बिफोर इन सीक्वेंट टॉयल ऑल फॉरवर्ड्स डू कंटेन। ये एक क्वाट्रेन है, ये फर्स्ट क्वाट्रेन है। अब इस फर्स्ट क्वाट्रेन का हम मॉडर्न टेक्स्ट भी देखते हैं। As the waves move toward the pebbled shore, so do the minutes we have to live hasten toward their end. Each moment changing place with the one before, striving to move forward with the successive effort. जो सोनेट 61st lines हैं, इसमें स्पीकर या पोएट वो lines ऐसे शुरू कर रहा है, वो एक clear और beautiful description देता है time की। वो metaphor use करता है compare करने के लिए time और waves की movement को। लाइफ बहुत फास्ट है और हमारे पास इनफ टाइम नहीं है स्पेंड करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में। जो हमारी लाइफ की मोमेंट्स हैं वो ऐसे बढ़ रही है जैसे कि वेव्स बढ़ती हैं, वेव्स आगे चलती हैं, शोर की तरफ बढ़ती हैं, वैसे मोमेंट्स भी हमारी मूव हो रही हैं, एक के बाद एक आए जा रही हैं हमारी लाइफ में। जैसे वेव्स आती हैं ओशन में एक के बाद एक, वन रिप्लेसिंग द नेक्स्ट, तो मोमेंट भी उसी तरह से, मोमेंट्स भी उसी तरह से एक के बाद एक हमारी लाइफ में आते रहते हैं। इन मोमेंट्स की वजह से हमारी लाइफ जो है ये एक लाइफ बनती है और आगे एक कंक्लूजन पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वाट्रेन, नेटिविटी ओन्स इन द मेन ऑफ लाइट क्रॉल्स टू मेच्योरिटी वेयर विद बीइंग क्राउन्ड क्रूक्ड इक्लिप्सिस गेन्स हिज ग्लोरीफाइड एंड टाइम दैट गेव दोट नाउ हिज गिफ्ट कन्फाउंड। अब हम इसका मॉडर्न टेक्स्ट देखते हैं। एवरीथिंग दैट हैज बीन बोर्न दो इट ओन स्वैम इन दैट ब्रॉड ओशन ऑफ लाइट दैट एग्जिस्ट बिफोर डेथ क्रॉल्स इट्स वे अप द शोर्स ऑफ मेच्योरिटी where it faces cruel obstacles to its glory. अब इन नेक्स्ट फोर लाइन्स में, मतलब इन लाइन्स में जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो नेटिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है और उन सब चीजों को जो एक टाइम पे पैदा हुई थी, मतलब ह्यूमंस को डिस्क्राइब कर रहा है। वो जो लोग, जो ह्यूमन एक टाइम पे जिन्हें बर्थ दिया गया था, जो पैदा हुए थे, वो पहले की तरह यंग और न्यू नहीं है, ना वो रहेंगे हमेशा।
वो सब टाइम के साथ साथ बड़े हुए हैं, उन्होंने क्रॉल मतलब बड़े हुए हैं, मेच्योरिटी की तरफ बढ़े हैं आगे। और ह्यूमन बीइंग जब मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो जो उसका रास्ता था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। वहां पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे जो कि हमें या ह्यूमन बीइंग्स को फेस करने पड़े थे इस पॉइंट पर आने के लिए। इस क्वार्टरेन की लास्ट टू लाइंस में पोएट ये भी कह रहा है कि टाइम जो कि एक जो टाइम है, जो वक्त है, जो एक टाइम पर फ्रेंड हुआ करता था ह्यूमन का, उसे अच्छी अच्छी चीजें देता था, ब्यूटीफुलनेस देता था उसे, वो एक टाइम आता है कि अब टाइम जो है वो अपनी दी हुई चीजें वापस मांग रहा है। इट टेक्स इट्स गिफ्ट बैक। लाइक जब हम बच्चे होते हैं, जब कोई चाइल्ड होता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रिटी होता है, क्यूट होता है, लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है वो ओल्ड होने लगता है। ओल्ड होने के साथ साथ उसके फेस पे व्रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, उसके टीथ जो है वो टूट जाते हैं, तो वो अगली होना शुरू हो जाता है। और इससे पोएट रेफर कर रहा है कि टाइम जो है वो अपना गिफ्ट जो उसने बचपन में हमें दिया था वो वापस ले रहा है। लाइन्स 9 to 14। टाइम डॉट ट्रांसफिक द फ्लोरिस सेट ऑन यूथ एंड डेल्व्स द पार्लर्स इन ब्यूटीज ब्रो फील्ड्स ऑन द रेयरिटीज ऑफ नेचुरल ट्रूथ एंड नथिंग स्टैंड्स बट फॉर हिज सीड टू मो। अब इसका मॉडर्न टेक्स्ट देख लेते हैं। टाइम विच गिव्स एवरीथिंग नाउ डिस्ट्रॉयज इट्स ओन गिफ्ट। टाइम पियर्सेस द ब्यूटी ऑफ यूथ ड्रॉइंग व्रिंकल्स इन ब्यूटीज फोरहेड। टाइम डेवर्स द चॉयस स्पेसिमेंस ऑफ नेचर। नथिंग एग्जिस्ट दैट इट वोंट मो डाउन विद हिज सेथ। अब थर्ड क्वार्टरेन में यानी कि लाइंस 9 to 14 में पोएट ये कह रहा है कि टाइम की जो जॉब है, टाइम का जो काम है, वो है एक इंसान की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करना, जो एक टाइम पर टाइम ने ही उसे गिफ्ट की थी, अब वो गिफ्ट उसे वापस चाहिए। वो वापस कैसे लेता है? पहले तो यूथ में वो उसे ब्यूटी देता है, फिर जैसे जैसे वो ओल्ड होने लग जाता है, वो उसके फेस पे व्रिंकल्स, लाइंस, डार्क सर्कल्स और ये सब चीजें देता है। जो यूथ की परफेक्ट स्मूथनेस है, जो यूथ की परफेक्ट ब्यूटी है, वो करप्ट हो जाती है इन पैरेलल थिंग्स की वजह से। जैसे मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में सॉरी लास्ट क्वार्टर में बताया, सेम वही है। लास्ट नाउ कपलेट्स एंड येट टू टाइम्स इन होप माई वर्ड शैल स्टैंड प्रेजिंग दी वर्थ डिस्पाइट हिज क्रूअल हैंड। मॉडर्न टेक्स्ट एंड येट माई वर्सेज विल लास्ट इन टू द फ्यूचर प्रेजिंग योर वर्ड डिस्पाइट टाइम्स क्रूअल हैंड। लास्ट लाइन्स में स्पीकर जो है वो कंक्लूड कर रहा है ये कह के कि उसके वर्सेस जो हैं वो फॉर एवर लास्ट करेंगे, फ्यूचर में भी लोग उन्हें पढ़ेंगे, और इन वर्सेस की वजह से लोग तुम्हारी ब्यूटी को प्रेस करेंगे और तुम्हारी ब्यूटी वर्थ रहेगी नो मैटर कि टाइम ने तुम्हारे साथ क्या किया। सर पकड़ा है, सर पकड़ा है। ओके, थैंक यू।